हमारा गोला हो, बारूद हो, हमारा स्मॉल आर्म्स हो, बड़े आर्म्स हो, और बाद के फेजेस में खास करके 90 के दशक के बाद जब हमारे देश में डीआरडीओ में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आया और हमने जब नई नई संरचना का विकास किया, नई डिजाइंस, नई टेक्निक हम ले आए, चीज़ों को विकसित किया, उसमें आपके बगल में जो हमारी फैक्ट्री है चंद्रपुर ने पिनाका मिसाइल बनाया, ये आपको विदित है, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवाड़ी ने HBF ने T-70 टैंक्स बनाए, वो टैंक जो हम कारगिल की लड़ाई, ये हमने अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाया। इसके अलावा कलाश्निकोव जो हम विदेशों से खरीदते थे उसको हमने रीडिज़ाइन किया है, और ज्वाइंट वेंचर में हमारी अमेठी की फैक्ट्री में ये अस्त्र शस्त्र पूरी दुनिया में विख्यात। अब NDA की पहली सरकार नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी तो हमारे देश का जो आयुध निर्माणी का सेक्टर था, आयुध निर्माण यानी हम विदेशों को बेचेंगे भी, जैसे हम विदेशों से आयात करते हैं वैसे ही हम विदेशों को निर्यात भी करेंगे, ये काम शुरू हुआ। इसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं थी,